हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कोरल लेबोरेटरीज के बारे में। ये स्टॉक काफ़ी टाइम से मैं होल्ड कर रहा हूँ, तो आप मेरे चैनल पे ये चीज़ देख सकते हो कि मैं इस पे वीडियो काफ़ी टाइम से डाल रहा हूँ। तो सबसे पहले वीडियो कब आया था ये देख लो, 23 नवंबर 2021 को, यानी लगभग एक साल, या लगभग यहाँ पर एक साल के पहले डाल चुका हूँ, यानी नवंबर के एंडिंग में ये वीडियो आया था। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद ये वीडियो डाला है मैंने 4 अक्टूबर 2022 को। ठीक है, तो लगभग एक साल बाद यहाँ पर सेकंड वीडियो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। ठीक है, 2021 के बाद डायरेक्ट 2022 में वीडियो देखने मिला। अभी ये 23 के, यानी लगभग काफ़ी टाइम से ये स्टॉक को मैं होल्ड कर रहा हूँ। और यहाँ पर काफ़ी बार यहाँ पर देख सकते हो, 16 नवंबर 2022, यानी लगभग एक साल बाद, जैसे नवंबर 23 नवंबर के बाद डायरेक्ट 16 नवंबर 2022 में इसका टारगेट आने वाला है, ऐसा मैंने वीडियो भी डाला था, लेकिन टारगेट अभी तक अचीव नहीं हुआ। और वहाँ पर अगर देखोगे टारगेट कमिंग सुन, यहाँ पर वो डाला है वीडियो, तो उसका मतलब है कि वहाँ पर स्टॉक काफ़ी नज़दीक आ गया था टारगेट के आसपास, लेकिन फिर से वो रिवर्सल हो जाता है क्योंकि मार्केट की कंडीशन काफ़ी ख़राब चल रही है, उस वजह से स्टॉक फिर से रिवर्स होके फिर से वो लो पर चले जाते हैं, या फिर वो टारगेट अचीव नहीं कर पाते, रिवर्सल ले लेते हैं। तो वहाँ पर बहुत बार ऐसा होता है, बहुत, अगर आप स्टॉक मार्केट में काफ़ी टाइम से इन्वेस्ट करते रहोगे और ट्रेडिंग करते रहोगे, तो आपको ये चीज़ पता होगी कि स्टॉक कभी भी किसी भी पॉइंट पे आके रिवर्स हो जाता है या उल्टा चलना चालू हो जाता है। तो वहाँ पर ये स्टॉक ने भी वैसे ही किया है, लेकिन फिर भी अभी अभी मुझे ये तो चीज़ अपॉर्चुनिटी लगती है जब जब शेयर्स गिरते हैं, और यही शेयर ने तो काफ़ी ज़्यादा कंपनीज के शेयर अभी आपको डाउन में मिलेंगे, तो ये फिलहाल अपॉर्चुनिटी होती है, तो फिलहाल इसको अपॉर्चुनिटी ही मैं समझता हूँ। और अभी ये स्टॉक कैसा है ये हम देखेंगे, तो वीडियो एंड तक देखो, और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको इसकी वेबसाइट दिखा देता हूँ कि ये कंपनी का बिजनेस क्या है। तो नाम से बहुत लोगों को पता चल गया होगा कि कोरल लेबोरेटरीज ये लैब है, लेबोरेटरीज है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है ये। और यहाँ पर आप देख सकते हो इनकी मेडिसिन्स, दवाइयाँ, और इनके पोर्टफोलियो के प्रोडक्ट्स कौन से, प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो तो काफ़ी टाइप के, यहाँ पर टैबलेट्स है, कैप्सूल है, लिक्विड ऑरल्स है, इंजेक्शन्स है, तो आई ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप्स, और ये सारी क्रीम्स भी है, ऑइंटमेंट क्रीम है, और जेल्स है, लोशंस है, तो काफ़ी कुछ यहाँ पर ये कंपनी ड्राई सिरप है, काफ़ी कुछ बनाती है, नेसल स्प्रेज है, तो काफ़ी कुछ ये कंपनी के प्रोडक्ट्स यहाँ पर आपको नज़र आते रहेंगे। लेकिन ये कंपनी का यहाँ पर हम फंडामेंटली चीज़ें कैसी है ये भी हम जानेंगे कि फंडामेंटली स्टॉक कैसा नज़र आ रहा है। ठीक है, तो फंडामेंटल इसके देख लेते हैं कि फंडामेंटली स्टॉक यहाँ पर हमको कैसा नज़र आता है, जिससे हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के हिसाब से ये स्टॉक को होल्ड करना है या नहीं, ये हम यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फंडामेंटली चीज़ें आपको स्क्रीनर पे दिखा देता हूँ, क्योंकि स्क्रीनर पे काफ़ी ज़्यादा डेटा आपको देखने मिलेगा। तो फिलहाल यहाँ पर देख सकते हो मार्केट कैपिटल, तो मार्केट कैपिटल 91 करोड़ की मार्केट कैपिटल वाला स्टॉक है, और लगभग ये 217 इसका लो रह चुका है, और 368 का हाई रह चुका है एक साल के अंदर। और फिलहाल ये डिविडेंड तो नहीं देती, लेकिन बुक वैल्यू स्टॉक का काफ़ी अच्छा है, आरओसी एवरेज है, और आरओई भी कम ही है, तो रिटर्न्स थोड़े कम जनरेट कर रहा है इसके इसके जो कैपिटल है उस पर। ठीक है, और अगर हम इसके चार्ट देखेंगे तो चार्ट में एक साल में काफ़ी उतार चढ़ाव हमको देखने मिला है, और 3 साल की बात करेंगे तो 3 साल में देख सकते हो आप कि ये स्टॉक कहाँ से कहाँ ये मूवमेंट दे चुका था, यानी काफ़ी अच्छे रिटर्न से दे चुका था। 140 के भाव से ये लगभग यहाँ पर 550 तक भी गया था, 541 तक भी गया था, लेकिन वहाँ से ये काफ़ी गिरावट देखने मिली, तो 3 साल में काफ़ी ये स्टॉक ने रिटर्न्स दे चुका था। ठीक है, तो ऑलरेडी ये BSE का स्टॉक है, और इसमें मूवमेंट आती है तो काफ़ी तेज़ी से आती है, फिर यहाँ पर डाउन साइड भी उसी तरीके से आपको देखने मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा स्टॉक वोलाटाइल हो जाते हैं BSE के स्टॉक। और यहाँ पर अगर 5 साल के रिटर्न्स देखोगे तो 5 साल में देखो, एक टाइम पे ये 572 के रेंज में था, वहाँ से ये गिर के यहाँ पर आपको नज़र आएगा ये 100 रुपये के रेंज के आसपास आ गया था, 98 के भाव तक भी आ गया था, लेकिन वहाँ से काफ़ी अच्छा इसने मूवमेंट देखे, अच्छा खासा इसने 5 गुना पैसा कर दिया था, और उसके बाद फिर से इसने डाउन साइड दिखाया है। ठीक है, तो काफ़ी अप डाउन ये कर रहा है,
5 साल के भी रिटर्न्स इसी तरीके के हैं। तो यहाँ पर ट्रेडर के लिए काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो जाता है, जब जब डाउन में ये स्टॉक मिले तो खरीदो, और कभी एकदम हाई मिल जाए, 2 गुना 3 गुना भी हो जाए, बेच के अच्छा खासा प्रॉफिट के लिए ये स्टॉक काफ़ी काम आ जाता है, ठीक है। और 10 साल के रिटर्न अगर देखोगे तो देखो 50-60 रुपये से ये स्टॉक ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए थे, लगभग ये 1100-1200 के भी रेंज में ये जा चुका है, ठीक है। तो वहाँ से स्टॉक ने फिर से एक डाउन साइड दिखाया, यानी ये 2017 के टाइम की बात है, तो 2017 के बाद ये स्टॉक ने काफ़ी गिरावट दिखाई, और ये स्टॉक डायरेक्टली यहाँ पर 2020 तक यानी लॉकडाउन तक 98 रुपीज़ का हो गया, यानी लगभग 90% ये स्टॉक का भाव गिर गया, ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत सारे स्टॉक के साथ होता है, बहुत सारे शेयर्स के साथ होता है। तो कितने समय तक कौन से स्टॉक को होल्ड करना चाहिए ये भी आपको पता होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ से बहुत कुछ आप सीख सकते हो। तो ये चैनल को जस्ट सब्सक्राइब करके रखना है, और बाकी चीज़ें तो यहाँ पर मैं मेरी जर्नी भी आपके साथ शेयर ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक जो ऑलरेडी इस तरीके की मूवमेंट करते आए हैं तो थोड़ा सा रिस्की होती ही है। और मैक्स की बात करेंगे तो मैक्स में भी देखो काफ़ी स्टॉक एक टाइम पे एक ही रेंज में काफ़ी टाइम से चल रहा था, 20-30 रुपये का भी एक टाइम पे था ये स्टॉक, ठीक है। तो 2008 के टाइम पे फिर इसने अच्छी मूवमेंट दी, फिर से डाउन साइड देखने मिला, अप डाउन करते करते इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न दे चुका था मैक्स में, लेकिन इसके बाद ये स्टॉक फिर से गिरावट हमको देता हुआ नज़र आया, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर अप डाउन ये स्टॉक में काफ़ी नज़र आया, लेकिन देखो ये इसका ग्रोथ का चार्ट यहाँ पर हमको कुछ खास नज़र नहीं आता, इस वजह से ये ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सही लगता है। और कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री बता रहा है, यानी कंपनी पे कर्जा कम है, और यहाँ पर स्टॉक का ट्रेडिंग बुक वैल्यू काफ़ी अच्छा है यहाँ पर हमको नज़र आ रहा है। और नेगेटिव चीज़ें भी काफ़ी है कि इसका प्रॉफिट थोड़ा कम है, डिविडेंड नहीं देती है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र आएगी, ठीक है। और यहाँ पर इसके कॉम्पिटिटर्स नज़र आएंगे जिसके अंदर इसका सबसे नीचे नाम आएगा, क्योंकि इसका मार्केट कैपिटल काफ़ी कम है, बाकी सारे कंपनीज का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मार्केट कैपिटल है इस वजह से, ठीक है। और यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे तो देखो क्वार्टरली रिजल्ट्स में ये स्टॉक जो है इसके सेल जो है यहाँ पर आपको नज़र आएंगे, सेल्स कंटिन्यू लगातार यहाँ पर 19 करोड़ ये क्वार्टरली है, तो 3-3 महीने में इसके देखो सेल्स किस तरीके के थे, तो 19, 20, 22, 18, 28, 27, मतलब एक ही रेंज चल रहा था, लेकिन 2021 में थोड़ा सा कम हो गया था 13 करोड़, फिर यहाँ पर 20 करोड़, फिर 16 करोड़, फिर 25 करोड़, फिर 24 करोड़, मतलब यहाँ पर 20 का रेंज में यहाँ पर कंटिन्यूसली कंपनी का सेल हो रहा था, और यहाँ पर एक्सपेंसेस भी उसी मुकाबले हो रहे थे, तो एक्सपेंसेस पे भी यहाँ पर ज़्यादा एक्सपेंस होने की वजह से कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा हो नहीं पा रहा है, क्योंकि एक्सपेंसेस कम हो तो प्रॉफिट ज़्यादा बचता है कंपनी के पास, लेकिन यहाँ पर एक्सपेंसेस भी ज़्यादा है हमको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो तो फिलहाल ये स्टॉक ने इसका अदर इनकम की बात करेंगे तो देखो अदर इनकम थोड़ा बहुत कंपनी कर रही है, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है क्योंकि इसके एक्सपेंसेस ज़्यादा है, और यहाँ पर अदर कंपनी लोन तो कम है, कंपनी पे डेट कम है, इसलिए तो ये चल जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट यहाँ पर थोड़ा बहुत कंपनी का बच जाता है, क्योंकि अगर कर्जा भी ज़्यादा होता, लोन भी ज़्यादा होता तो वो भी पैसा इंटरेस्ट में चला जाता, तो फिर भी यहाँ पर लोन डेट कम होने की वजह से यहाँ पर बैच कम जा रहा है, इंटरेस्ट कम जा रहा है, और बाकी जो भी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने मिल रही है तो प्रॉफिट में है फिलहाल, तो कंपनी लॉस यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट कम होते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंसेस यहाँ पर आपको ज़्यादा नज़र आएंगे इस वजह से। तो एक्सपेंसेस पे अगर कंपनी का कंट्रोल रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपका ये कंपनी से प्रॉफिट यहाँ पर ज़रूर देखने मिलेगा। तो और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो 2011 से लेकर 2022 तक कंपनी के यहाँ पर परफॉर्मेंस दिखाए हुए, तो 32 करोड़ से कंपनी यहाँ पर आपको नज़र आएगी कि 75 करोड़ तक जा चुकी है, बीच में 95 करोड़ यहाँ पर आपको नज़र आएगा 2017 में, 96 करोड़ भी 2021 में, और अभी फिलहाल तो थोड़े बहुत सेल भी कम होते हुए हमको नज़र आ रहे हैं, तो ये एक चीज़ होती है, और एक्सपेंसेस भी उसी मुकाबले हो रहे हैं, और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले काफ़ी अच्छा हुआ करता था, लेकिन फिलहाल अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी थोड़ा गिर गया है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जितना ज़्यादा गिरेगा उससे कंपनी को नेट प्रॉफिट भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, तो फिलहाल कंपनी का नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर आपको कम होता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। तो लेकिन फिर भी ये कंपनी का स्टॉक का CAGR काफ़ी अच्छा है,
कंपनी सालाना 10 साल से 15% के रिटर्न दे रही है, यानी ये रिटर्न भी बैंक रिटर्न से, FD रिटर्न से, काफ़ी रिटर्न से ये तो फिलहाल अच्छा है। इवन म्यूचुअल फंड रिटर्न से भी 10 साल से काफ़ी अच्छे नज़र। और कंपनी की बैलेंस शीट की बात करेंगे तो देखो, बैलेंस शीट में कंपनी का यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि रिजर्व जो है कंपनी के पास फिलहाल तो अच्छा ही है, 157 करोड़ तक फिलहाल सितंबर तक का डेटा है, उस हिसाब से रिजर्व काफ़ी अच्छा मुझे तो नज़र आ रहा है। और रिजर्व में जितना ज़्यादा पैसा हो उतना अच्छा है, और कंपनी पर लोन कम हो उतना अच्छा होता है। तो कंपनी फंडामेंटली मुझे काफ़ी स्ट्रांग नज़र आती है, और ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना मुझे सही लगता है, अच्छा डिसीजन होता है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। क्योंकि कंपनी पे लोन जितना कम हो, कर्जा जितना कम हो, वो कंपनी उतना सर्वाइव कर सकती है फ्यूचर में, और अच्छे खासे रिटर्न भी दे सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कंपनी का यहाँ पर आपको ये बाकी चीज़ें, बोरोविंग तो कम है, लेकिन यहाँ पर दूसरी चीज़ें अगर देखेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो प्रमोटर की होल्डिंग कंपनी में सबसे ज़्यादा है, यानी जो कंपनी के मालिक है, कंपनी के अंदर ओनर है, और वो उनका ही स्टेक सबसे ज़्यादा होना सबसे अच्छी बात होती है। क्योंकि उस हिसाब से उनका रिटर्न जितना ज़्यादा हो, या उनका इन्वेस्टमेंट जितना ज़्यादा हो, उस हिसाब से रिटर्न्स भी ज़्यादा उनको मिलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए वो यहाँ पर इन्वेस्ट करके रखते हैं, और उनका स्टेक ज़्यादा होने से बाकी लोगों को भी अगर अट्रैक्ट हो सकते हैं, जहाँ यहाँ पर पब्लिक के पास भी यहाँ पर होल्डिंग अच्छी है, तो पब्लिक ने यहाँ पर 28% किया है, तो पब्लिक ने भी इसमें अच्छी खासी होल्डिंग रखी है, और थोड़ा फॉरेन के इन्वेस्टर ने, तो यहाँ पर ऑलरेडी ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने होल्ड करके रखा है प्रमोटर ने, तो मार्केट में ज़्यादा शेयर्स है नहीं, तो इसको ज़्यादा मूव नहीं कर सकते। जो भी मूवमेंट होगी तो पब्लिक की वजह से होगी, पब्लिक ही इसको अगर बेचेगी तो ज़्यादा सेल करेगी तो गिरेगा स्टॉक, और ज़्यादा बाई करेगी तो बढ़ेगा। तो यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए ज़्यादा मार्केट में स्टॉक भी नहीं है, और ऑलरेडी छोटी कंपनी है, काफ़ी 100 करोड़ के अंदर की कंपनी है, लेकिन काफ़ी पुरानी कंपनी है, तो इसका वैल्यूएशन फिलहाल तो काफ़ी सस्ता नज़र आ रहा है। फ्यूचर में देखेंगे ये स्टॉक कितना आगे बढ़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर हमने देख लिया है कि स्टॉक फंडामेंटली किस तरीके से यहाँ पर दिख रहा है, और फंडामेंटल कैसे स्टॉक के यहाँ पर तो हमने देख लिया है। आगे हम देखेंगे ये स्टॉक में ग्रोथ कितना आता है। यहाँ से मेरे एक्सपेक्टेशन है, टारगेट के एक्सपेक्टेशन, यहाँ से 30% से ज़्यादा के रिटर्न यहाँ से मिल जाएंगे, 35% से भी ज़्यादा मिल जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये अभी डाउन पे मिल रहा है इस वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका हाई है वो तो तोड़ेगा ही, आज नहीं तो कल वो तोड़ना ही है 368 का, लेकिन फिर भी यहाँ से और बेटर रिटर्न ये स्टॉक मुझे देगा ऐसा नज़र आ रहा है, और स्टॉक में काफ़ी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, स्टॉक काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। लेकिन ये BSE का होने की वजह से लोग ज़्यादा इसके तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि BSE के स्टॉक से काफ़ी लोग ज़्यादा दूर रहते हैं। ठीक है, तो NSE पे ज़्यादा लोग ट्रेडिंग करना पसंद करते, इन्वेस्ट करना पसंद करते, लेकिन BSE के स्टॉक भी काफ़ी अच्छे होते अगर रिटर्न अच्छे लेने हैं तो, और ट्रेडिंग के हिसाब से भी अच्छे होते हैं, वोलेटिलिटी आती है तो काफ़ी अच्छी वोलेटिलिटी आती है और अच्छे रिटर्न देके चली जाती है। ठीक है, तो फिलहाल तो स्टॉक मुझे अच्छा नज़र आ रहा है, बाकी आपकी मर्जी होती है। स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आपको 10 बार सोच लेना चाहिए कि आपको ये चीज़ें करनी है तो क्यों करनी है। ठीक है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ या बाकी कोई भी कह रहा है, तो उस हिसाब से नहीं करना है आपको। अगर ये चीज़ें सही लगती है तो ही आप इन्वेस्ट करो, क्योंकि मार्केट में हमेशा रिस्क तो बना ही रहता है, मार्केट में हमेशा रिस्क रहेगा ही, और प्रॉफिट और लॉस ये तो लगा रहता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप कॉन्फिडेंस हो, और आपको पैसा अगर ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप गंवा सकते हो, या आप जितना रिस्क ले सकते हो उतना ही रिस्क लिया करो, नहीं तो आप ज़्यादा रिस्क लोगे और फ्यूचर में कुछ भी होता है, किसी भी कंपनी का मैनेजमेंट खराब हो जाता है कुछ भी रीज़न से, कंपनी बंद हो जाती है, तो वहाँ पर आपका नुकसान उतना आप लेने को रेडी हो सकते हो। और यहाँ पर एक चीज़ है कि मैं खुद ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो और अच्छे हो, तो फिलहाल इसमें तो मेरी होल्डिंग है, और इसी वजह से ये स्टॉक के बारे में मैं बता रहा हूँ। और मोस्ट ऑफ आपको मेरे चैनल पर यही चीज़ें देखने मिलेगी, जो स्टॉक मेरे पास होते हैं उसके बारे में मैं यहाँ पर वीडियोज़ बनाता हूँ, और उसमें से प्रॉफिट लेके दिखाता हूँ, तो ज़्यादातर मैं यही चीज़ें करता हूँ। और बहुत सारे स्टॉक में से मैंने प्रॉफिट लेके दिखाए हुए हैं, वो भी चीज़ें आप मेरे चैनल पे आप देख सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।